दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही इनोवेटिव वीडियो दिखा रहा हूं। पंजाब के जालंधर जिले के दो किसानों ने लॉकडाउन के चलते जब मजदूर नहीं मिले तो धान की नर्सरी तैयार करने के लिए एक अनोखा आइडिया उनके दिमाग में आया और घर बैठे कबाड़ के सामान से एक ऐसी मशीन बना दी जिस मशीन ने इतिहास रच दिया। भारत में पहली मशीन है धान की नर्सरी तैयार करने की। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस मशीन की कहानी, क्यों आया आइडिया और क्या है इसकी कीमत, क्या मचा है इसका धमाल। कंपनियां इसकी नकल कर रही हैं लेकिन किसानों के आविष्कार से कंपनियों की नकल पीछे है। पिछले साल लॉकडाउन में किसानों ने जो मशीन बनाई थी, इस बार के लॉकडाउन में उसमें एक और सुधार किया है। इसे पूरी तरह ऑटोमेटिक बना दिया है। किसानों के जज्बे को हम सलाम करते हैं, उनके आविष्कार को सलाम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब हम पंजाब पहुँच गए हैं, जालंधर जिले में, किसान के उसी खेत में जिस खेत में इस मशीन से नर्सरी की तैयारी की जा रही है। लगातार पूरा वीडियो देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं पंजाब में हूं, पंजाब का जालंधर जिला है और बाजवा का गांव है ये, और मैं आज आपको एक ऐसी मशीन दिखा रहा हूँ जो यहाँ के किसानों ने खुद इनोवेटिव करके तैयार की है। धान की जो नर्सरी तैयार की जाती है वो मशीन भारत में पहली बार। जालंधर जिले के किसान हैं, मेजर सिंह जी हैं मेरे साथ मौजूद हैं और भाई राजेंद्र सिंह जी हैं, दोनों दोस्त भी हैं और दोनों एक दूसरे के पार्टनर भी हैं। और भाई साहब इंग्लैंड के सिटीजन हैं और मूल रूप से और यहाँ खेती किसानी करने आते हैं राजेंद्र सिंह जी और मेजर सिंह, दोनों ने ये इनोवेटिव किया है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये धान की नर्सरी तैयार करती है और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। और ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे आइडिया इनको इस मशीन को बनाने का आया, पिछले साल ये इन्होंने पहली बार ये मशीन तैयार की थी, इसके बाद कुछ निजी कंपनियों ने इस मशीन की नकल की, यानी मेजर सिंह की और राजेंद्र सिंह जी दोनों दोस्तों की जो इनोवेटिव मशीन है जिसका आविष्कार इन्होंने किया है धान की नर्सरी तैयार करने का, इस मशीन की नकल कंपनी वालों ने की और फिर इन्होंने अपनी मशीन में इस बार कुछ और ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया है। वो क्या सिस्टम है और किस तरह से इन्होंने आइडिया आया मशीन का और कैसे मशीन काम करती है, दोस्तों पूरा वीडियो देखें। चैनल पर जो साथी हमारे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, खेती किसानी से लेकर हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। तो दोस्तों हम इस मशीन की बात करते हैं, किस तरह से आपको आइडिया आया, पहले आप दोनों दोस्तों के इसमें ये मशीन बनाने का आपने कैसे आइडिया कैसे लिया है? ये बात ये है कि पिछले साल का बात है जी, पिछले साल लॉकडाउन के कारण पंजाब में लेबर बहुत कम आया था जी। मैं मेजर सिंह बाजवा, पिंड मेरा बाजवा कलां, तहसील शाहकोट है जी। मेरा फ्रेंड था राजेंद्र सिंह जी। जी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस कारण पिछले साल हमारे पास वॉक बिहाइंड मशीन था जापान का, जो आता है जानमर कंपनी का जी, वो मशीन से हम धान लगाना था। उसके लिए नर्सरी तैयार करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नर्सरी तैयार करने के लिए बड़ा औखा काम है वो, पहले खेत समतल करना पड़ता है, उसके बाद में पॉलीथीन बिछाना पड़ता है, उसके पॉलीथीन बिछा के हम उसमें क्रेट रखते हैं जी, उसके बाद में उसमें एक इंच मिट्टी डालना पड़ता है, उसके बाद में उसमें सीड, उसके बाद में पानी, उसके बाद में उसको मिट्टी देना पड़ता है उसको कवर करने के जी, लिए जी जी ये सारे काम बहुत कठिन थे और लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। हम दोनों ने बैठे बैठे आइडिया आया कि हम क्यों ना ऐसा मशीन तैयार करें जो एक ही साथ सारा काम कर सके। जे मशीन हमने पिछले साल जो डेवलप किया था जी, जी, जे खुद ही पॉलीथीन बिछाता था जी, जी, जी। पॉलीथीन बिछाने के बाद इसमें एक इंच मिट्टी डालता था जी, जी, उसके बाद में इसमें पानी लगता था, उसके बाद में सीड डालते थे, उसके बाद में मिट्टी ये कवर करता था जी, 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 जी। हम इसको बात ये था कि इसमें मिट्टी बाहर से छान कर इसमें डालते थे। छानना इसलिए पड़ता है इसमें कोई पक्का कैंकर कोई ना जाए, पक्का कैंकर जाएगा तो मशीन में वो लॉक हो जाता है जब बिजाई करते हैं। उसके लिए हम इसको पिछले साल बाहर से मिट्टी छान के रखते तो इसको हम चलाते इसके थे मट्टी टापे में। ये जो हम देख रहे हैं आपके टापे में जो आपने मिट्टी भरी हुई है, आज भी शायद कुछ गीला खेत है इस कारण जो आपने इसमें जो मिट्टी इस टापे में तो आपने मिट्टी भर दी है जी। इस टापे में मिट्टी भरी है जो जिससे बीज ढकना है, जिसे कवर करना और ये चलना है। इसमें मिट्टी
इसमें बीज पाना है, इसमें बीज, इसमें एक इंच मिट्टी डलेगा। अच्छा, आज इसलिए इसको ऐसे हमने हाथ से भरा है कि खेत गिल्ला है, खेत गिल्ला होने के लिए मिट्टी क्षमता नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये इसमें यहाँ इसमें इसमें सीड आएगा, ये सीड आपका धान की, ये धान का सीड आएगा। इसमें ये जो ये घूमे ये लगे हुए हैं, ये बीज को अधिक कम करने के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, अधिक कम करने के लिए है। और ये जो आपका हम ये चकली ये जो चेन देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है हमने इस बार लगाया है। अच्छा, ये इस बार की, ये इस बार लगाया, ये पिछले साल नहीं था, इस बार लगाया है। इस कारण कि इसको आप भरने का जरूरत नहीं पड़ता हमको, ये ट्रैक्टर चलाते तो खुद ही मिट्टी लेके जाता है, खुद ही डालता है। अच्छा, खुद ही मिट्टी छानता है। जब ये ट्रैक्टर हम जलाएंगे खेत में तो ये नीचे हो जाएगा टापा, ये और ये मिट्टी यहाँ से लेगा चेन से और ये ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, छन्ने में डालेगा, वो छन्ने में डालेगा, छन्ना छान देगा और वो मिट्टी उस वहाँ पहुँच जाएगी। वो ब्लॉक, वो अपना जो एक टैंक है, टैंक में जाएगा, टैंक में जाएगा, टैंक में जब चलाएंगे तो साथ ही में नीचे गिरी जाएगा। और ये पॉलिथीन इस पर रैपर इसका गोल इस पर राउंड लगा हुआ है, इसको बिछा देंगे। हाँ। जब चलाएंगे तो पॉलिथीन अपने आप खुली जाएगा, अपने आप खुलेगा, अपने आप खुलेगा। अच्छा अच्छा, कितना पैड बनाएगी है, कितने किसकी? एक लाइन बनाएगी एक बार में, एक लाइन में। कितना इसकी चौड़ाई होगी? इस लाइन चौड़ाई 24 इंच, 24 इंच से, और लंबाई कितनी भी हो सकती? लंबाई जितनी मर्जी, जितनी मर्जी, जितनी मर्जी आपकी। तो भाई साहब ये बताइए, आप दोनों पार्टनर्स ने मशीन को मिल करके बनाया है, और ये इसमें कितनी लागत आ गई होगी इस मशीन? हमने स्क्रैप में से बनाई है सभी। अच्छा, सब स्क्रैप में? सारा स्क्रैप है। अच्छा, कुछ कुछ कंबाइन का है, कुछ चैने कंबाइन के, वो ड्रिल की है नीचे। अच्छा अच्छा, तो किस किस मशीन का स्क्रैप इसमें इस्तेमाल किया आपने भाई साहब? ड्रिल मशीन का, सीड सीड ड्रिल का। अच्छा, सीड ड्रिल का, ड्रिल मशीन का, कंबाइन मशीन, ग्रारी कंबाइन की। अच्छा, चैन कंबाइन की। अच्छा अच्छा, बाकी स्क्रैप है सभी, बाकी सब स्क्रैप है। फिर भी स्क्रैप की कीमत हम माने कि आप लोगों ने जो इस आविष्कार किया है ये कम से कम क्या कीमत में तैयार हो गया होगा? जो नहीं तैयार करनी होगी मुझे लगता है कम से कम 1.5 लाख रुपया लगेगा। अच्छा, 1.5 लाख रुपया लग जाएगा नहीं तैयार करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने कितने पैसे में तैयार की, हम ये बात कर रहे हैं? हमने 30,000 में। अच्छा, आपने 30,000 में तैयार कर दी। अच्छा, जो कंपनियां इस मशीन को बना करके दे रही हैं, कुछ कंपनियां बना रही हैं ना? हाँ जी, पंजाब में ही आपकी कंपनी। हाँ, तो वो कितनी कीमत में बेच रहे हैं इस मशीन को? हमने पता नहीं किया, पता नहीं किया, पता नहीं आपको किया। पता है जी, करीब 80,000 के करीब है। अच्छा, 80,000 के, 70-80,000 के करीब बेचते हैं। हाँ। लेकिन वो मशीन है कि वो जो हमने पिछले साल जितनी बनी थी वही है आज, वही है, वही है आज का। जो मिट्टी वाला जो मिट्टी वाला सिस्टम है वो हमारा किसी मशीन में नहीं, अभी किसी। तो आपके दोनों बंधुओं के सहयोग से भारत की ये पहली ऐसी मशीन कही जा सकती है जिसमें ये मिट्टी स्वयं लेगी, स्वयं लेगी, स्वयं चलना लगा करके उस टैंक में पहुँचाएगी। और ये अभी तक मशीन ऐसी नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक इस बार पंजाब में एक कंपनी बनाई है वो, लेकिन उसमें टैंक नहीं है। अच्छा, मिट्टी नीचे से लेती है, नीचे से डालती है, बिजाई करती है, लेकिन उसमें टैंक नहीं है, टैंक नहीं है उसमें। जब कम मिट्टी जाएगा तो वो कम डाल देगा आगे, अधिक अच्छा, जाएगा तो अधिक डाल देगा। अच्छा, हमारे में टैंक है एक ही, एक बिल्कुल एक समतल लेयर डालेगा, वो निर्धारित जो लेयर है उसकी, जो वो डालेगा, वही डालेगा। अच्छा, इस तरह से जो धान की जो नर्सरी तैयार करते हैं जो ये सिस्टम मशीन का है इसमें, और जो मैनुअल तरीके से जो हम लोग किसान उसे बखेर के बो देते हैं, क्या अंतर क्या है इसमें? ये जो नर्सरी तैयार करते हैं ये है ऑटोमेटिक मशीन के लिए। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, ये जो नर्सरी है जो ऑटोमेटिक मशीन अभी हम देख रहे हैं कुछ आपके इलाके में काम कर रही है, वो पैड से ऑटोमेटिक मशीन में इस नर्सरी का, उसके लिए नर्सरी है, उसके लिए जो मैनुअल नर्सरी है वो तो हाथ से गेर की छटा देके हम बीते हैं। अच्छा, इसकी पैदावार जल्दी तैयार हो जाती है, कितने दिन में तैयार हो जाती है अपनी? इसकी नर्सरी जो है तकरीबन 20-22 दिन में तैयार हो जाती है, 20-22 दिन में तैयार लगने लायक हो जाती है। अच्छा अच्छा, लगने लायक हो जाती है। तो अब हमें इस मशीन को चलते हुए दिखाएंगे, हम देखना चाहेंगे आपकी मशीन को, दिखा लगा देंगे बस अभी। तो भाइयों, आप पूरा वीडियो देखते रहें। इस मशीन से धान की नर्सरी तैयार करने से पहले, धान की नर्सरी का बीज बोने से पहले खेत को समतल कर लिया जाता है, जिस प्रकार इस ट्रैक्टर से किया जा रहा है। पीछे बेड पर विभिन्न प्रकार की धान की किस्मों की नर्सरी तैयार हो रही है, आप देख रहे हैं। बीच में साधारण तरीके से है, और ये लाइन जो लगी हुई है ये बेड बने हुए हैं विभिन्न प्रकार की धान की किस्मों के। ये जो बेड तैयार हुए हैं वो इस मशीन के द्वारा ही तैयार हुए हैं। अब हम आपको इस मशीन कैसे काम करती है यह दिखा रहे हैं। दोस्तों, एक जानकारी और हम आपको दे रहे हैं, किस मशीन से धान की नर्सरी बोने के लिए खेत सूखा होना चाहिए, क्योंकि यह मशीन खेत से जब मिट्टी लेगी तो
तो सूखी मिट्टी छनने में आसान रहती है और टापा पूरा मिट्टी से भर जाता है जितनी मिट्टी इस बेड के लिए चाहिए होती है। तो इस बात का ध्यान रखें खेत सूखा हो, और खेत सूखा नहीं है तो आपको इस मशीन के टापे में मिट्टी छान कर रखनी होगी ताकि जो बीज बोया जाएगा मशीन के द्वारा उस पर मिट्टी की लेयर एक समान रूप से और जितनी आवश्यक है उतनी लेयर मिट्टी की आसानी से आ सके। ये मशीन के नीचे पॉलीथीन एक बार सेट कर दी जाती है, आप देख रहे हैं यह लोग इस मशीन से नर्सरी का बेड बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पॉलीथीन के ऊपर नर्सरी का मिट्टी रहेगी और उसके बाद बीज रहेगा और फिर उसके ऊपर मिट्टी की लेयर होती है। इस प्रकार यह मशीन काम कर रही है, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक बीज की लेयर बिछ रही है और दूसरी तरफ खेत से मिट्टी भी यह मशीन ले रही है, मिट्टी की लेयर, फिर बीज की लेयर और उसके बाद फिर मिट्टी की लेयर, और सबसे नीचे जो लेयर है वो पॉलीथीन एक बेड के बराबर बिछ रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से मशीन काम कर रही है। ये टापे में मिट्टी भरी हुई है, यदि ये मिट्टी सूखी हो तो और भी आसान और बढ़िया काम होता है। ये मिट्टी छानने में गीली होने के कारण असुविधा हो रही है। यदि खेत सूखा है तो सूखे खेत से मिट्टी सूखी आएगी, जिस तरह से ये मिट्टी खुदाई करके ऊपर चलने पर आ रही है। यदि खेत सूखा है तो सूखी मिट्टी आएगी और चलने में भारी यानी अधिक मात्रा में मिट्टी की छनाई होगी, और जितनी अधिक मिट्टी की छनाई होगी उसी हिसाब से टापे में जाएगी और टापे के बाद वो धान के जो बीज है उस पर लेयर रहेगी। आप देख सकते हैं यह ट्रैक्टर से चल रही है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर धान की रोपाई बड़े फार्मों में जब होती है तो वह मशीन से ही धान रोपे जाते हैं, और मशीन में जो धान रोपे जाते हैं उसकी नर्सरी इन मशीनों के द्वारा ही तैयार की जाती है। अब दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे इस तरह की नर्सरी अच्छी होती है या नहीं, या क्या खाद पानी इसमें डालना पड़ता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं, कोई भी नर्सरी बिना खाद पानी के तैयार नहीं होती। खाद पानी तो आवश्यकता अनुसार डालना ही पड़ता है। हमने इस मशीन के बराबर में खेतों में उग रहे बेड भी आपको दिखाए हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ बेड पर नर्सरी तैयार हो रही है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, यह किसानों का आविष्कार है, किसानों का चमत्कार है और उनका उत्साहवर्धन होना ही चाहिए। इन किसानों ने सबसे पहले भारत की यह मशीन बनाई है धान की नर्सरी तैयार करने वाली, बाद में अन्य कंपनियों ने इनकी नकल की है, लेकिन नकल में वह पीछे ही रहे हैं। इस बार सुधार करके इन दोनों दोस्तों ने पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन बना दी है। दोस्तों, यह भारत की पहली धान की नर्सरी तैयार करने वाली मशीन थी। यदि आप इन दोनों इनोवेटिव किसानों से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, खेती किसानी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों किसानों के नंबर हम दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल।